brava, mas aí, Gurta. Tá, 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 mas dorme pra ter isso, dá pra pânico, canta, tá, mas dorme. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम। क्या होंगे भाई, बोलो क्या होंगे? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे होंगे। और क्या हैं ये सारे लोग? बहुत ही ज़्यादा मस्त। हाँ, अब देख सकते तो हैं। आप भी हमारे ब्लॉग का आनंद लीजिए। तो हमारे यहाँ पे तो मिर्ची थी नहीं, और ये है ताई औरू का बगीचा। तो ताई औरू ने इसमें हरी सब्जी और ये मिर्ची ये लगाए हुए हैं। तो मैंने इस टाइम ताई औरू से कहा कि मैं आपकी उससे मिर्ची ले रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पे तो एक ही था और उस पर तो सारी जितनी भी थी वो सारी मैंने ले ली थी सब्जी में डालने के लिए। तो आज मैं नमक पीसने वाली हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत सारी मिर्ची की ज़रूरत है। तो इतनी सारी मिर्ची मेरे लिए काफ़ी है, और आज मैं पीसने वाली हूँ नमक। तो नमक क्यों पीसना है, इसका भी कुछ है, कुछ खाने के लिए ही मैं इसको वो कर रही हूँ। तो हम फटाफट ये करते हैं। आज काफ़ी टाइम बाद मम्मी लाई थी गांव से छाछ, और आज पीऊँगी मैं काफ़ी टाइम बाद मट्ठा। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है मट्ठे में चीनी डालना। तो आज इतना बड़ा डिब्बा लेके आई है मम्मी गांव से, मुझे तो महीनों हो गए मट्ठा खाए बिना। तो आज इसका टेस्ट भी कर लेते हैं। वैसे कल हमने नमक भी पिसा था, तो वो भी मैं इसमें डालूंगी। तो मैंने आज दो गिलास मट्ठे के पीने हैं, एक चीनी वाला और एक नमक वाला। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मतलब गाँव में ऐसे होता है कि मतलब मट्ठा ये जो भी है तो ये पैसों में नहीं लिए जाते हैं। हाँ, मतलब कोई जब ये करता है तो ये हम फ्री में ही लेते हैं दूसरों से। ऐसा नहीं है जैसे मार्केट वाला सीन होता है ना, पैसों में खरीदो मट्ठा भी। तो गाँव में ऐसा कुछ सीन नहीं है, गाँव में सब चीज़ ऐसी चीज़ें फ्री में। छाछ पी के तो सच में मज़ा ही आ गया, क्या ही बताऊँ। इतने टाइम बाद मैंने दो गिलास पिए हैं, वो भी एक नमक के साथ और एक चीनी के साथ। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना छाछ में चीनी डाल के, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है यार। तो आप लोग भी ट्राई करें मेरा वाला नुस्खा। ये अभी अभी आया था स्कूल से, और ये जाने वाला है उधर, मतलब हित से भी उधर जंगल में एक खाई है, और वहाँ खाई में पानी बहुत भरा रहता है, तो उसमें नहाते हैं। तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी रहता है, और इसको आदत जैसी पड़ गई है, मतलब हर रोज़ जाता है। तो ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच मम्मी और इसके बीच में हाथापाई हो गई। हाथापाई नहीं, हाँ ऐसे ही मजाक मजाक में भागने लग गया था, तब तक कि मम्मी ने इसको पकड़ लिया। और मुझे पता है ये मौका पाके ही भाग जाएगा फिर से दोबारा। मम्मी तुम कुछ कहना चाहोगे इसके उसमें? यो भाग रही हो भाभी की भागने की फुल प्लानिंग, बट मम्मी भी जान बोलो जाने देंगे इसको ना। मौका पाते ही फरार हुए भाभी। फरार हुआ। चाबी चाबी दे बल, चाबी दे। ओ मम्मी पे खतरनाक वाला गुस्सा। ओ मैं पहले अब पहले मम्मी ऐसा हुआ दू देखी तू तो लास्ट कॉलू देखी तो मम्मी पे गुस्सा आ गया। मम्मी से झूठ बोल के भाग गया। मैं कल परसों से लगी थी कि मुझे बैंगन का भरता बनाना है, भरता बनाना है। तो आज फाइनली मैंने निकाल ही दिए, और बेकार भी हो ही रही हैं। तो रखा है मेरा बैंगन पकने के लिए, तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन के भरते। वैसे ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम पकाया है, और बनाने का भी मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा ये, क्योंकि मैंने आज तक बैंगन के भरते कभी नहीं बनाई, ये फ़र्स्ट बार है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, मेरे घर वाले को पसंद आता है मेरा ये वाला। वैसे मैं खाना बना लेती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम में ट्राई करती हूँ। तो चलो फिर भी ट्राई करने में किसी का क्या ही जाता है, और खाने वाले उन्हें तो खाना ही है।